हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हो गए 14 मई 2020 गुरुवार के मुख्य समाचारों की बात करते हैं। आज की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए, सामने उसके घंटी के बटन को दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट खबरों की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर 74,000 के पार पहुंच चुके हैं और 2400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब भी देश में महाराष्ट्र राज्य सबसे पहले बना हुआ है। राज्य में कुल मामले बढ़कर 25,000 से अधिक हो चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 900 से ज़्यादा हो गई है। इनमें भी मुंबई में सबसे ज़्यादा असर पड़ा है और यहाँ मामले करीब 15,000 हैं। अगली खबर है, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ शुरू हो गई है और यह मुठभेड़ दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में हो रही है। हैनीट्रैप प्रेमी से बदले की भावना और ब्लैकमेल के मामलों में अश्लील कंटेंट वायरल करने वाले अपराधियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी मददगार तकनीक मिलने जा रही है। अगली खबर आपकी बिहार से आ रही है। बिहार में कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच एक विधायक की गाड़ी से शराब की बोतलें मिली है। पुलिस ने इस सिलसिले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अगली खबर आपकी गोवा से आ रही है। गोवा में कोरोना संक्रमण के 7 नए मामले सामने आए हैं, जबकि यह राज्य पहले संक्रमण से मुक्त हो गया था और इससे पहले लोगों में डर बैठ गया है। अगली खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में बुधवार रात करीब एक दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। एक रोडवेज बस में 10 मजदूरों को कुचल दिया। अगली खबर है, एक 8 साल के बच्चे ने पुलिस को लिखित में अपनी बड़ी बहन और 4 लड़कियों के खिलाफ शिकायत करते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कोरोना को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस लैब से आया है जो प्राकृतिक नहीं है। राजस्थान सरकार में लॉकडाउन के बीच में बड़ी छूट दे दी गई है, जिसमें रेस्टोरेंट समेत कई गैर जरूरी चीजों की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। तो आज के राशिफल की बात करते हैं। पूरे होंगे मीन और कर्क राशि वालों के रुके काम। कन्या राशि के जातक रहेंगे स्वास्थ्य से परेशान। जाने आपके लिए कैसा रहेगा 14 मई का। श्रीलंका क्रिकेट इस हफ्ते के अंत में फैसला लेगा कि वो आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेलेगा या नहीं। भारत में लॉकडाउन जारी है और इसका खामियाजा भारत की एथलीट प्राज्ञक्ता गोडबोले को भी उठाना पड़ा है, जिससे कुछ ही समय पहले देश का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया था। अगली खबर है, अब दिल्ली की मेट्रो सेवा एक बार से फिर शुरू हो सकती है, जो पहले से काफी अलग होगी। इसके लिए कई प्रकार के इंतजाम किए जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ताजा रिपोर्ट की माने तो धरती के नमूने की रफ्तार कम नहीं हो रही, धरती के घूमने की रफ्तार और कम हो चुकी है और ये सिलसिला जारी है और इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स में आकलन किया गया है। इंग्लैंड में इस समय अजीब स्थिति बनी हुई है। कोरोना वायरस का प्रकोप वहाँ हर दिन बढ़ता जा रहा है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने का पालन नहीं करना चाह रहे, पुलिस क्यों लाचार है यहाँ जानिए। CM योगी आदित्यनाथ ने 20 लाख करोड़ का पैकेज जारी किए जाने पर केंद्र सरकार को बधाई देते हुए बुधवार को कहा कि इससे प्रदेश के MSME के क्षेत्र में लगभग 3 करोड़ लोग भी लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से जानकारी दी गई है कि COVID-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए PM केयर्स फंड ट्रस्ट में 3100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। सेना प्रमुख नरवाने ने कहा कि सेना के अधिकारी और जवानों का मनोबल काफी ऊंचा है और वे सौंपे जाने वाले किसी भी कार्य को पूरी लगन और निष्ठा के साथ पूरा करने के लिए हमेशा तैयार हैं। केंद्र के विशेष आर्थिक पैकेज को लेकर पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर भड़की। उन्होंने कहा कि एक बड़ा शून्य करार दिया। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और यह कोरोना के कुल मामले 8,000 होने वाले हैं। 20 नई मौतें और 359 नए मामलों के बाद कोरोना के कुल मामले बढ़कर 7,998 हो चुके हैं। देश में कोरोना संकट के काल के बीच लॉकडाउन जारी है, इसकी वजह से नौकरी पैसा से लेकर बिजनेस क्लास और हर तरीके के काम धंधे पर असर पड़ा है और तमाम कल कारखाने बंद हैं और वहां पर काम कर रहे हजारों लोगों के रोजी रोटी का संकट बना हुआ है।
पीएम नरेंद्र मोदी के 20 लाख के आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि देश के सामने पीएम ने विजन रखा। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।